हेलो गेट्स इट फ्लैट्स, गौरव हियर। गूगल कहता है रॉकेट साइंस इज इक्वल टू डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, इलैबोरेट, कंफ्यूज, कंफ्यूजिंग, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। बट साइंस कहता है रॉकेट साइंस इज इक्वल टू एरो साइंस। तो क्या एरो साइंस इज इक्वल टू डिफिकल्ट? वेल ना ना ना, कस ये एक ऑब्जेक्ट को उड़ा सकता है, बट उसे उड़ाने में एक टेक्निकल चीज आती है। सो क्या है वो? डिफिकल्ट और इजी? एक्चुअली इट्स कंफ्यूजिंग। लेकिन कौन लाया इस कंफ्यूजन को दुनिया में? आर्किटास। कौन आर्किटास भी? टैरेंटम में रहने वाला साइंटिस्ट जिसने बिना एक्शन रिएक्शन फिजिक्स प्रिंसिपल को यूज किए स्टीम के पावर से उड़ने वाले एक वुडन फ्लाइंग पिजियन बनाया। और फिर आया हीरो ऑफ एलेक्जेंड्रिया जिसने एक्शन रिएक्शन के इस दाल में मारा तड़का। पूछो कैसे? By adding something to an existing invention. इसने आर्किटास के उड़ते हुए कबूतर के प्रिंसिपल के बेसिस पे एक टूल बनाया जो था हीरो इंजिन। हीरो जो बेसिकली जीरो था, मतलब हीरो इंजिन एक ऐसा स्फीयर था जिसके दोनों साइड पे एल शेप ट्यूब लगी हुई थी, और जैसे ही इंजन को उबलते हुए पानी में रखा जाता उन ट्यूब्स में से स्टीम बाहर आती और बैंग स्फीयर रोटेट होना शुरू हो जाता। वाओ, चमत्कार! चमत्कार नहीं, थ्रस्ट का कमाल। इस एक्सपेरिमेंट से उस टाइम पे लोगों को थ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो तो पता चल गया, पर क्या उतना काफी था? ऑब्वियसली नहीं। उस टाइम पे मारी एंट्री एक चोर ने। मेरा मतलब है चाइना अब आएगा पिक्चर में। 1969 में पहली बार बिना चोरी किए चाइना ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ये वाला केस यहाँ पर नहीं था। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बैम्बू स्टिक्स लिए और उसमें गन पाउडर डाल के एक्सप्लोड किया। काफी सारी बैम्बू स्टिक्स एक्सप्लोड हुई और काफी सारी फेल हुई, पर कहते हैं ना फेलियर से ही तो ऊंचाइयां छूना आसान हो जाता है। वैसे ही इस फेलियर के बाद उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने बनाया उड़ता तीर, जिसमें पूरा एक्सपेरिमेंट तो सेम ही था, सिर्फ इस टाइम एरोस पे बैम्बू स्टिक्स बांध के उसे एक्सप्लोड कर दिया, जिसका नाम रखा उन्होंने गन पाउडर प्रोपेलेंट फायर एरो, ब्रह्मास्त्र नहीं। और यही वो पल था जहां से शुरू हुआ रॉकेट्स का सिलसिला। दुनिया में हो रहे युद्ध में उड़ते तीर कम रॉकेट्स यूज किए जा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, पहली बार इन रॉकेट्स को 1232 AD में चाइना और मंगोल्स ने वॉर में यूज किया, और फिर यूरोप ने इन 1241 AD अगेंस्ट magyार, अरब्स ने 1268 में अगेंस्ट फ्रेंच आर्मी ऑफ किंग लुई 9, और फिर डच मिलिट्री ने रॉकेट्स बनाए इन द ईयर 1650। टीपू सुल्तान यूज उड़ता हुआ तीर इन द ईयर 1792, जिसे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी कहा जाता है, और 16वीं सदी आने तक लोग रॉकेट को वॉर वेपन में ही काउंट करने लगे थे। बट फाइनली आई वो सदी जिसने इन उड़ते तीर का हुलिया बदल दिया, उड़ते तीर को गंगाधर से शक्तिमान बना दिया। अर्ली 20th सेंचुरी में कॉन्स्टेंटिन सियोलकोव्स्की ने इसी कॉन्सेप्ट को एक दूसरे नजरिए से देखा और इन उड़ते तीर को लिक्विड फ्यूल की हेल्प से स्पेस की सैर करवाई, जिससे हुई मॉडर्न रॉकेट्स की शुरुआत और उसी के साथ ही टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की शुरुआत। इसी आइडिया को यूज करके अमेरिकन साइंटिस्ट रॉबर्ट एच गोडार्ड को मार्च 17, 1958 में फर्स्ट लिक्विड फ्यूल रॉकेट लॉन्च करने में सफलता मिली। एंड गेस व्हाट, आगे क्या हुआ होगा? चाइना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इस आइडिया को कॉपी मारा और सभी साले फर्स्ट क्लास से रॉकेट लॉन्च में पास होने लगे। बट रियली क्या रॉकेट बनाना इतना आसान है? वैसे तो नहीं, पर हाँ अगर इंपॉर्टेंट स्टेजेस याद रखेंगे तो शायद यस। कोई भी रॉकेट 4 सिस्टम से बना हुआ रहता है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल सिस्टम, नंबर 2 पेलोड सिस्टम, नंबर 3 गाइडेंस सिस्टम, नंबर 4 लास्ट बट इन द इंपॉर्टेंट लिस्ट प्रोपल्शन सिस्टम। स्ट्रक्चरल सिस्टम मतलब ऑब्वियसली स्ट्रक्चर हैज टू बी स्ट्रीमलाइन शेप यानी फ्रिक्शन कम तो स्पीड ज्यादा मतलब डिस्टेंस कम मतलब फ्यूल यूजेज कम यानी कि पैसों की बचत, और पैसों की बचत यानी कि फायदा ही फायदा। इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही फायदा। पर स्ट्रक्चरल सिस्टम में एक और एक चीज आती है, रॉकेट की आउटर स्किन। एक रॉकेट ट्रैवलिंग के टाइम पर एयर फ्रिक्शन के कारण 1649 डिग्री टेम्परेचर जनरेट करता है। हैं जी, आपने बिल्कुल सही सुना, 1649 डिग्री सेल्सियस, जितने में लोहा भी पिघल जाता है। लेकिन इसे कंट्रोल कैसे करेंगे? सिंपल, थर्मल लेयर प्रोटेक्शन से। थर्मल लेयर प्रोटेक्शन का काम है स्लोली हीट ट्रांसपोर्ट करना, और इसीलिए इंसुलेटर्स यूज किए जाते हैं, और जो कि सिलिका एक बेस्ट इंसुलेटर है, इसीलिए आउटर स्किन को सिलिका ट्यूब से कवर करते हैं। लेकिन सिर्फ स्किन प्रोटेक्ट करना काफी नहीं है, स्किन के साथ ही मैटर करता है वेट। जितना ज्यादा वेट उतना ही ज्यादा रॉकेट के डूबने के चांसेस, और जितना कम है वेट उतनी ही होगी परफॉर्मेंस ग्रेट। पर लाइट वेट कैसे रखेंगे रे? सिंपल, आज मैं आपके लिए लाया एक माइंड ब्लोइंग इलाज, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम। एल्यूमिनियम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्लस लाइट वेट, और टाइटेनियम इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग प्लस लाइट वेट प्लस हाई हीट बेयरिंग कैपेसिटी वाला मेटल। दोनों स्ट्रॉन्ग भी है और मास भी कम है, यानी एक तीर दो निशान। स्ट्रक्चरल सिस्टम में थोड़ा सा भी ऊंच नीच मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिलना, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिला यानी स्टेबिलिटी लूज होना इज इक्वल टू कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब्ड। और ये तो फिर ऐसी बात हुई कि तैयारी तो जम के की, पर आखिर में क्या हुआ? गई ना बहस पानी में। एनीवे, सेकंड सिस्टम है पेलोड सिस्टम। पेलोड यानी लोड को कैरी करना, क्या लोड कैरी करना है वो कंप्लीटली मिशन पे डिपेंड करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो पाना है वही बोना है। जैसे कि कम्युनिकेट करना है तो सैटेलाइट लोड करो, लिविंग एटमॉस्फेयर चेक करना है तो ह्यूमन को लोड करो, रिसर्च करना है तो स्पेस प्रोब या फिर कार्गो। नेक्स्ट आता है गाइडेंस सिस्टम। जैसे रिमोट कंट्रोलर कार को कंट्रोल करने का रोल प्ले करता है, वैसे ही रॉकेट में रिमोट कंट्रोलर का रोल प्ले करता है गाइडेंस सिस्टम। गाइडेंस सिस्टम में आते हैं गाइडेंस कंप्यूटर्स, सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स, रेडार्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स। गाइडेंस कंप्यूटर्स रॉकेट को डायरेक्शन और स्पीड गाइड करते हैं। सेंसर्स का काम होता है अपनी पोजीशन मेजर करना, स्पीड मेजर करना और टेम्परेचर सेंस करना। और रेडार्स का क्या काम होता है? स्पेस में आने वाले तूफानी ऑब्स्टिकल से रॉकेट को प्रोटेक्ट करना। और फाइनली कम्युनिकेशन सिस्टम का काम होता है स्पेस में मिलने वाली इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। शिप हो गया, गाइड भी कर लिया, पर लॉन्चिंग में इंपॉर्टेंट थ्रस्ट का क्या? कौन करता है ये थ्रस्ट प्रोड्यूस? लास्ट एंड मेजर पार्ट ऑफ रॉकेट, प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम में आते हैं फ्यूल और ऑक्सीडाइजर टैंक्स, पंप्स, कंबशन चेंबर और नोजल्स। फ्यूल में RP-1, केरोसिन, लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर्स में लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों पंप के थ्रू कंबशन चेंबर में एंटर करते हैं। कंबशन रिएक्शन से मैसिव हीट प्रोड्यूस होती है और वो हीट नोजल के थ्रू बाहर कट मारती है। पर ये थ्रस्ट कैसे प्रोड्यूस करता है? सिंपल, न्यूटन कई साल पहले बोल के गया, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और रॉकेट प्रिंसिपल भी इसी लॉ पर बेस्ड है। रॉकेट इंजन कंबशन रिएक्शन से बने हुए हॉट गैसेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से ग्राउंड भी उतने ही स्पीड में रॉकेट को ऊपर फेंकता है ना। और यहाँ पर न्यूटन भैया बिल्कुल सही है, यही होता है जिसे हम कहते हैं थ्रस्ट। जितना ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा उतना जल्दी रॉकेट एटमॉस्फेयर के बाहर। बट रॉकेट का प्रोड्यूस किया हुआ थ्रस्ट रॉकेट की जान का दुश्मन होता है। बिकॉज रॉकेट इंजन्स 200 डेसिबल जितना साउंड वेव्स जनरेट करते हैं, जो जमीन से बाउंस बैक होके रॉकेट को पूरा का पूरा तबाह कर सकता है। और इसी चीज से बचने के लिए, अगर आपने कभी इन पर्सन रॉकेट लॉन्च को देखा होगा तब नोटिस किया होगा कि हर एक लॉन्च पैड पे वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जो रॉकेट लॉन्च होते ही जमीन से पानी स्प्रे करने लगते हैं, सो दैट साउंड वेव्स एंड हीट नीचे ही कैप्चर हो जाए और वो बाउंस बैक होकर रॉकेट को डिस्टर्ब ना करे। बट रॉकेट लॉन्च के लिए चाहिए फ्यूल, और वर्ल्ड में फ्यूल की डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट फ्यूल की सप्लाई तो कम हो रही है। मतलब डिमांड का बढ़ना इज इक्वल टू प्राइस का बढ़ना। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू न्यूज़ इंडियन गवर्नमेंट फ्यूल बचाने के लिए जनवरी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, व्हिच मेक्स मी थिंक, क्या फ्यूचर में रॉकेट्स भी इलेक्ट्रिक बनाए जाएंगे? माइंड ब्लोइंग। इतना भी ओरिजिनल आइडिया नहीं था, क्योंकि पहले भी लोग सोच चुके हैं। सो क्या रॉकेट लॉन्चिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा सकता है? सिंपल एंड डायरेक्ट शब्दों में, नहीं। कोई भी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मैक्सिमम थ्रस्ट। इलेक्ट्रिसिटी लो थ्रस्ट जनरेट करती है। ऑल्सो हाई थ्रस्ट जनरेट करने के लिए मास की जरूरत होती है। जितना ज्यादा मास उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और थ्रस्ट प्रोड्यूस उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास ही नहीं होता। तो क्या कभी किसी ने इलेक्ट्रिक रॉकेट्स बनाने की कोशिश नहीं की है? वेल, इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन से केमिकल रॉकेट के कंपेरिजन में कम पावरफुल होते हैं, और अब तक कोई भी कंट्री ने इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रॉकेट लॉन्च नहीं किया है। अमेरिकन साइंटिस्ट ने कई रिसर्चेस किए हैं, उन्हें भी हाई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्सेस नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस यूज करके एक इलेक्ट्रिक इंजन बनाया, जिसे आयन इंजन भी कहा जाता है। स्पेस में आयन इंजन काफी आइडियल होते हैं। आइडियल मतलब माय डियर, जैसे अर्थ पे रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए हाई थ्रस्ट की जरूरत होती है, वैसे ही हम स्पेस में आयन इंजन यूज कर सकते हैं सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्टेबल रखने के लिए, और यही यूज किया भी जाता है। माना कि वो केमिकल इंजन जितना 1 मिनट में थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पर वो काफी लंबे समय तक चलता है, और इसीलिए ही सैटेलाइट्स पे आयन इंजन यूज किया जाता है। अब एज यू ऑल नो, आयन इंजन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी, इज इक्वल टू टेस्ला, इज इक्वल टू इलॉन मस्क, इज इक्वल टू स्पेसएक्स, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक लॉन्चिंग व्हीकल्स इन नियर फ्यूचर विद क्वेश्चन मार्क। अब आप ही मुझे बताओ, क्या इलॉन मस्क इलेक्ट्रिक रॉकेट्स आगे फ्यूचर में बना पाएगा? और अगर तुम लोगों को हमारा ये अतरंगी वीडियो पसंद आया तो ऐसे वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। करो, अभी करो, जल्दी करो यार, निकलना भी है। जय हिंद।